नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पे। आज हम बनाने वाले हैं बीमारी के बाद खाए जाने वाले ताकत से भरपूर प्रोटीन के लड्डू। तो आइए जानते हैं सामग्री क्या क्या है। ये देखिए, सबसे पहले तो मखाने हमें लेने हैं, गोंद, ये बारीक गोंद मैंने ली है, अगर आपको मोटी गोंद मिले तो उसको कूट कर लीजिए, इलायची फ्लेवर के लिए, कोकोनट, ये मार्केट से मैंने बारीक कोकोनट पाउडर लिया हुआ है, आप चाहे तो कोकोनट कद्दूकस कर लें। ड्राई फ्रूट्स में मैंने किशमिश, अंजीर बारीक कट करके अंजीर लिए हैं, पिस्ता, बादाम, काजू और बेसन। प्रोटीन के लड्डू है तो दाल वाला बेसन ज़रूर हम मिलाएंगे, और ये आटा, गेहूं का आटा, गुड़, गुड़ पाउडर, अगर पाउडर ना मिले तो गुड़ लेके उसको कद्दूकस कर लीजिए, और घी। तो चलिए, पैन में सबसे पहले हमें घी मिलाना है। इनमें हमें ड्राई फ्रूट्स को भून लेना है। काजू मिलाऊंगी, सॉरी, अंजीर और किशमिश हम बाद में मिलाएंगे, इनको नहीं भूनते हैं, पिस्ता हम मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट्स भून लिए हैं, देखिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। प्रोटीन से भरपूर ये मखाना, गोंद और मेवे वाले लड्डू अब जरूर बनाइएगा, बीमारी के बाद इन लड्डुओं को खाने से शरीर को बहुत ताकत मिलती है, बीमारी के बाद जो होने वाली कमजोरी होती है वो दूर हो जाती है। अब इसमें हमें गोंद जो है वो डालेंगे। इसे अच्छी तरह से फूलने तक रोस्ट करना है। फूल चुकी है, इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह ये पूरी गोंद आप रेडी कर लीजिए, निकाल लेंगे। थोड़ा और घी डाल लिया है, इसमें हम मखानों को भी मिला देंगे।
बच्चों के लिए भी ये लड्डू बहुत अच्छे होते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं और अच्छे से सब्जी वगैरह नहीं खा रहे हैं तो लड्डू तो वैसे भी पसंद करते हैं बच्चे। मखाने जो है दोस्त, ये घी सक करने के बाद थोड़े से छोटे हो जाएंगे साइज में। इन्हें निकाल लेते हैं। अब ये बचे हुए घी में कोकोनट पाउडर डालेंगे। रोस्ट करना है। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। गेहूं का आटा, गोल्डन होने तक इसको भून लेना है। आँच मीडियम पर रखें और जैसे जैसे टाइम होता जाएगा भूनता जाएगा आँच कम कर दें। ये देखिए आटा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे निकाल देते हैं और इसी तरह बेसन को भी भून लेना है। बेसन ये देखिए गोंद को हमें एकदम बारीक बारीक क्रश कर लेना है। हाथ से करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। आपको अगर नहीं हो पा रहा तो मिक्सी में डाल दीजिए। ये देखिए तरह से क्रश कर लेते हैं। देखिए बेसन भुन चुका है, इसे निकाल लेते हैं। अब इन सारी चीजों को हम मिक्सर में पीस लेते हैं। सारी चीजें पीस चुकी है। अब मिला देंगे गोंद, ड्राई फ्रूट्स, मखाने, चिली मिलाते हैं। कोकोनट, मखाने, इलायची मैंने पीसते समय ही मिला ली थी। इस मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे।
मिला लीजिए। मिला लेने के बाद धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाइए। घी थोड़ा सा पतला करके इसमें डालते जाइए। जितना घी लगेगा जब तक लड्डू बन जाते हैं तब तक घी मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। जब तक इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं हो जाती कि इसके लड्डू हम बना पाए तब तक घी मिलाइए। चलिए मैं लड्डू बनाकर आपको दिखाती हूँ कैसे बने हैं। गुड़ पाउडर मिलाएंगे, और अब इसमें धीरे धीरे करके घी मिलाते जाइए। थोड़ा थोड़ा करके घी मिलाते जाइए। घी तब तक मिलाइए जब तक इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं बन जाती कि हम इनके लड्डू बना सके, तब तक थोड़ा थोड़ा करके घी मिलाइए। तो चलिए मैं तैयार कर लेती हूँ। इस तरह बना लीजिए। सारे लड्डू तैयार हैं, ये देखिए इस तरह बने हैं। जरूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।